देश में इन दिनों राहुल गांधी की शादी की चर्चा है। विपक्ष की बैठक के दौरान लालू यादव ने राहुल को शादी की सलाह दी, इसके बाद तो शादी सियासी मुद्दा बन गई। देखिए, शादी करिए, बात मानिए। राहुल गांधी को लालू यादव ने शादी की सलाह क्या दी? पूरे देश में राहुल की शादी के चर्चे शुरू हो गए। सभी ये जानना चाहते हैं कि राहुल कब विवाह के बंधन में बंधेंगे। अब इस सवाल का जवाब तो राहुल ही दे सकते हैं, लेकिन लालू यादव की सलाह के बाद सियासी तीर चलने जरूर शुरू हो गए हैं। लालू द्वारा राहुल को शादी की सलाह पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं लालू यादव ने क्या कहा था। समय व्यर्थता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बराते चलें, और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको कैसे हाँ एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। लालू यादव तो राहुल गांधी की शादी में बाराती बनने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन राहुल हैं कि मम्मी की बात तक नहीं मानते। अब इस पर बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि विपक्ष की एकता का निष्कर्ष राहुल की शादी है, लेकिन दूल्हा कौन है और बाराती कौन, इसका ठिकाना नहीं। अरे विपक्ष की एकता का निष्कर्ष क्या है? मैंने तो एक ही सुना कि लालू यादव जी कह रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी बहुत शिकायत कर रही कि तुम शादी नहीं कर रहे, शादी कर लो, दूल्हा बन जाओ, बारात में हम आएंगे। बाकी वो दूल्हा कौन है और बारात कौन है, इसका ठिकाने नहीं है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी राहुल की शादी पर तंज कसा और कहा कि राहुल की शादी होगी भी या नहीं ये नहीं पता। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने भी राहुल की शादी पर चुटकी ली, बोले राहुल गांधी अगर शादी कर लें तो हमें भी मिठाई खाने का मौका मिलेगा। पता नहीं शादी होगी कि नहीं, शादी होने के लिए कर्म भी चाहिए। तो राहुल की शादी पर बयानों के बाण चल रहे हैं। विपक्ष की बैठक में ये बात उठी, अब सियासी मुद्दा भी बन गई है। राहुल की शादी पर सियासत भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट न्यूज 18। खंडवा में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियों की कीमतों में ऐसा तड़का लगा कि हरा धनिया 200 रुपए किलो की दर से बिक रहा है। अदरक 240 रुपए किलो तो टमाटर 120 को छू चुका है। गिलकी, शिमला मिर्च सहित अन्य सब्जियां 60 रुपए किलो से भी ज्यादा महंगी बिक रही हैं। महंगाई की मार ऐसी कि किचन से लेकर सब्जी मंडी तक इसका असर देखा जा रहा है। सब्जियों के दाम में एक बार फिर से महंगाई का तड़का लगा है। जायका बढ़ाने वाला धनिया जहां 150 से 200 रुपए किलो तक हो गया है, तो वहीं टमाटर के दाम भी बढ़े हैं। आज हम यहां मंडी में पहुंचे और यहां जानेंगे कि किस तरह से दाम पर असर पड़ा है। जी बताइए, जो सब्जियां हैं उनके क्या दाम अभी चल रहे हैं, क्या अंतर आया हुआ है? सर, आज से पिछले हफ्ते जैसे टमाटर 40 रुपए किलो थे, तो आज 80 रुपए किलो टमाटर हो चुके हैं। मतलब ये सब सब्जियां जैसे गोभी 40 रुपए किलो थी, आज 80 रुपए किलो हो गई है। टिंडे हो गए 60 रुपए किलो, ककड़ी 40 रुपए किलो हो गई है, जो पहले पिछले हफ्ते 20 रुपए किलो थी। मतलब हर चीज में रेट में हाईफाई रेट हो गए हैं। कुछ ग्राहक भी यहाँ पर पहुंचे, उनसे बात करेंगे। सर, सब्जी लेने आए हैं, क्या रेट क्या मिल रहे हैं अभी? बहुत ज्यादा रेट हो गए अभी। मतलब पिछले हफ्ते आया था तो कम थे, अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ गए रेट। आप गृहिणी भी हैं, बजट पर भी असर पड़ता है, कैसे देखते हैं अभी जो दाम बढ़े हैं? मैनेज करना पड़ता है, सब्जियों के रेट से दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक हफ्ते पहले कुछ और थे, अभी कुछ और हो गए। सब्जियों के दाम बढ़े हैं और यही वजह है कि जो ग्राहक पहले अधिक सब्जियां लेते थे उन्हें कटौती करनी पड़ी है, और इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी यही स्थिति बनी रहेगी। अमित जायसवाल, न्यूज 18, खंडवा। कटनी में एक बेटे ने मिसाल पेश की है। मां की गुजर जाने पर उसने उनकी मूर्ति बन पाई। परिवार उस मूर्ति का मां की तरह आधार करता है। देखिए, मां
माँ भगवान का रूप होती है, अपने बच्चों के लिए तो भगवान ही होती है। उस भगवान को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखने के लिए कटनी में एक बेटे ने अनोखा तरीका आजमाया। जब माँ इस दुनिया में ना रही तो उनकी सिलिकॉन मूर्ति बनवा दी। अभिषेक सोनी की माँ का 2021 में निधन हो गया था। माँ के जाने के बाद परिवार टूट गया। अभिषेक सोनी तो माँ से इतना प्यार करते थे कि वो डिप्रेशन में चले गए। एक दिन उन्हें पता चला कि बेंगलुरु में ऐसी मूर्ति बनाई जाती है जिसे देख लगता है कि उसमें जान हो, और काफी प्रयासों के बाद उन्होंने अपनी माँ की मूर्ति बनवाई। उनका निधन हुआ तो मेरा छोटा बेटा और बड़ा बेटा डॉक्टर गगन सोनी वहाँ पर थे। रात को 12:30 बजे की बात है। छोटा बेटा चूँकि माँ से ज़्यादा जुड़ा रहता है, बहुत अव्यवस्थित हो गया, पूरा परिवार अव्यवस्थित हो गया। उनकी याद में मेरे बेटे ने उनकी प्रतिमूर्ति का निर्माण बेंगलोर से कराया है। चूँकि उनके स्वरूप को देखना हो पाए ऐसा उसके मन में भाव आया, और हम लोग के बगैर जानकारी के, और उन्हें मेरे छोटे बेटे अभिषेक सोनी ने एक ऐसा काम किया है जो हम जीवन में नहीं भूल सकते। अभिषेक सोनी घर के मंदिर के बगल में माँ की मूर्ति स्थापित उन्होंने की है। उनकी पोशाक और गहने भी बदलते हैं। इसमें पत्नी मोनिका सोनी, भाभी रेखा सोनी आदि मदद करती हैं। माँ तो उस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिमा होने से मन को काफी तसल्ली मिलती है। मम्मी की जब कोरोना काल में डेथ हुई तो मैंने सोशल मीडिया में देखा कि किसी सज्जन ने अपनी मदर की मूर्ति बनवाई हुई थी, तो उसे मुझे लगा कि मुझे भी बनवाना चाहिए क्योंकि मम्मी की मुझे बहुत याद आती थी। तो मुझे ये लगा कि कम से कम मम्मी की मूर्ति रहेगी तो ये एहसास रहेगा कि मम्मी मेरे साथ है। पहले तो हम लोग एकदम शॉक हो गए क्योंकि कोई भी चीज़, जो चीज़ अपन पास नहीं है उसको अचानक से देखो तो ऐसी वो चीज़ शब्दों में बयां नहीं की जा सकती जो हम लोग ने फील किया कि कैसा उस टाइम फील किया। सब लोग इमोशनल हो गए थे। अब ये एहसास है कि आपकी सास आज भी आपके पास है। हाँ, अकेले घर में रहो तो मम्मी का स्टैचू देख के लगता है कि हाँ चलो कोई तो है, अकेले नहीं है हम। एक माँ जीवन भर बच्चों पर प्यार लुटाती है, लेकिन कई बार बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं, लेकिन अभिषेक सोनी उन औलादों में से नहीं है। माँ के लिए उनका ये प्यार मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।